उत्तर प्रदेश के जालौन में ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है। एक दिन पहले संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला था। युवक का सिर कुचला हुआ था। पुलिस ने इसकी जांच की तो सामने आया कि पैसों के लेन देन को लेकर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ हत्या में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। धरातली साक्ष, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मुखबिर की सूचना के आधार पर ये जानकारी मिली कि घटना के समय उसी गांव का, मृतक के गांव का ही निवासी गौतम द्विवेदी आसपास देखा गया था। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने घटना करना स्वीकार किया और बताया कि दिवाली के समय मृतक गौरव उर्फ रानू द्वारा उससे 4500 रुपये उधार लिया गया था, जिसको वो अब वापस मांग रहा था। इसी सिलसिले में आपस में इनका पीछे कहासुनी भी हुई थी, विवाद हुआ था। देही पर वो पत्थर और शर्ट जो घटना के समय पहने था उसको बरामद कर लिया गया है। इस घटना का अनावरण शव प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर अंदर इसको कर लिया गया है। अभियुक्त हमारी हिरासत में है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। सभी वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर इसको जेल रवाना किया जा रहा है। इसकी विवेचना बहुत गहराई से की जाएगी ताकि ये जो इसने गंभीर अपराध किया है, जघन्य कार्य किया है, नियमानुसार इसको सजा दिलाई जा सके। नेशन मिरर के लिए जालौन से प्रभात कुमार की रिपोर्ट।